नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मल्टीपर्पज़ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, असिस्टेंस के एग्ज़ाम जो अभी हाल में 10 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे स्कोर कार्ड के बारे में और हम बात करेंगे मेंस के एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहाँ पे देखिएगा एक अपडेट आपको देखने को मिल रहा है स्कोर कार्ड को लेके। तो स्कोर कार्ड वाले लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया पेज पहले से मैंने खोला हुआ है स्कोर कार्ड का, जहाँ पे आप अपने स्कोर कार्ड को देख सकते हैं। स्कोर कार्ड आप 10/8/2021 से लेके 1/9/2021 तक देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड देना है और यहाँ के कैप्चा, यहाँ पे कैप्चा देना है, आपका स्कोर कार्ड आपको पता चल जाएगा। तो ये तो छोटा सा अपडेट है। अब इससे देखिए, इसे ये पता चलता है कि मेंस का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मेंस का एग्ज़ाम आपका 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच में होगा, ठीक है। 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर के बीच में होगा, इस मंथ आपका मेंस का एग्ज़ाम मुझे संभव नहीं लगता है, ठीक है, पॉसिबल नहीं लगता है। मुझे लगता है जहाँ तक है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंस से मल्टीपर्पज़ मेंस का एग्ज़ाम 1 सितंबर से 15 सितंबर तक होगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि अगर इस मंथ एग्जाम लेना होता तो इनका कोई ना कोई अपडेट आता। इन्होंने पहले स्कोर कार्ड दिया, कट ऑफ दिया, अब एग्जाम डेट देंगे। तो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक आपका एग्जाम होगा मेंस का। तो अभी से आप लोग पिछले 3 महीने के करेंट अफेयर को तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए और अभी से अपना जो भी वीकनेस है उसको दूर करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेंस के लिए बहुत कम समय बात है। और मैं बता दूं कि 150 नंबर आपको लाना होगा 200 नंबर में से, क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, यही छोटा सा अपडेट देना था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहा है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।